మీ లోపల్ సిన్సియారిటీకి ఎంత కమిట్మెంట్ ఉంది దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఒక మంచి స్కూల్ ఒక గలీచి స్కూల్ ఎట్లా కాదు మంచి స్కూల్ నుంచి చాలా మంది కూడా వచ్చారు బట్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేయలేదు మీరు ఏ డ్యూటీ చేస్తున్నారు ఏ జాబ్ చేస్తున్నారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే హార్డ్ వర్క్ సక్సెస్ లో దేర్ ఇస్ నో షార్ట్ కట్ టు హార్డ్ వర్క్ ఏ పరిస్థితిలో హార్డ్ వర్క్ చేయాలి ఆజ్ ఆప్ లోగ్ జిత్నే లోగ్ యహాన్ ఆయే హై సభీ కో సిటీ పులీస్ కే తరఫ్ సే బహుత్ బహుత్ ముబారక్బాద్ और सिटी पुलिस के तरफ से ये हम लोगों का एक जो वादा है कि विमेन सेफ्टी के लिए हम लोग हर समय कमिटेड हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से एक सर्वे होता है जिसके तहत हैदराबाद इंडिया में जो बड़े बड़े सिटीज हैं बॉम्बे दिल्ली, बेंगलोर कैलकाटा इन सब सिटी के कंपैरिजन में हैदराबाद सेफेस्ट सिटी है इंडिया में और जब सेफेस्ट सिटी है तो इसीलिए यहां विमेन को महिलाओं को खवातीन को नौकरी करने के लिए ज्यादा फ्रीडम ज्यादा फैसिलिटी ज्यादा एनकरेजमेंट है और इस फैसिलिटी का आप लोग फायदा उठाएं और अपने घर में आपके जितने छोटे बच्चे हैं खास करके जो लड़कियां हैं गर्ल्स हैं उनकी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें उनको सही टाइम पर खाना मिल रहा है कि नहीं उनको बुक्स उनको बाकी सब चीज का फैसिलिटी मिल रहा है कि नहीं जिसको डेमोक्रेसी का सही मतलब वही होता है जब इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले सबको समान मौका चाहे वो मर्द बच्चा हो या औरत बच्चा हो सबको बराबरी मिलना ना मग एक बार जोर से बोलो फिर यस सबको बराबर का मौका मिलना और देश का हर इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बराबर का हक है सबको और बराबर काम करने का सबको मौका मिलना चाहिए तो सिटी पुलिस के तरफ से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और कौन सी नौकरी आप शुरू कर रहे हैं ये उतना ज्यादा माने नहीं रखता है आप शुरू कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना भी बड़ा सफर हो 1000 किलोमीटर का सफर हो लेकिन उसकी शुरुआत पहला कदम से लग होता है आज आपका ये फर्स्ट स्टेप है पहला कदम है आगे लंबा सफर है और आप सब बहुत अच्छे तरीके से मुकाम को हासिल करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर मैं DCP साउथ जोन और सभी ऑफिसर्स को मुबारकबाद पेश करता हूं TMI को खास करके मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने बहुत मेहनत से इतना अच्छा काम किया TMI के जो मुरलीधरन साहब हैं वो बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं बहुत मदद करते हैं सबको योर नेम प्लीज संदीप और संदीप है यहां संदीप के लिए एक बार सब लोग बहुत जोर से ताली बजाइए एंड एक बार ऑल विमेन ऑफिसर्स रंडी एकड़ा मीर अंदर रंडी एकड़ा मी समक्षम लो ऑल ऑफ फ्रंट लो रंडी मीर अंदर ए बैच 2020 आपके सामने 2020 बैच के हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस के ऑफिसर्स हैं ये लोग इनके लिए भी एक बार ताली बजाइए हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू मीर चपता रहा 2 मिनट्स एनीबडी CP sir, the DCP South Zone, additional DCP South Zone, additional DCP She Team, Inspector Woman Police Station, ACPs, Charminar, ACP Falaknuma, Traffic Officers, TMI, which is our agency for the job mela, the 5 different companies who have come for recruitment and all the girls. A very good afternoon to all of you. Adab, namaste. Peeche tak sunai de raha hai? Okay. So, the city police
as part of its community reach program, has been doing these job melas for many years now. And in all these job melas, they were used to be the job mela for men and women together. A few months back, we thought that to make it easier for girls, हम लोग सिर्फ अकेले महिलाओं के लिए जॉब मेला करेंगे, और वो पहला जॉब मेला हम लोगों ने शी टीम की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें 5000 से प्लस लड़कियां आई थी, और पहले दिन करीब 700-800 लड़कियों को जॉब का अपॉइंटमेंट मिला था. एंड आज आई कॉन्ग्रेचुलेट DCP साउथ जोन फॉर डूइंग द सेम थिंग इन द साउथ जोन, जहाँ पे आज आप लोगों को सिर्फ लेडीज के लिए वी हैव डन दिस, ही हैज ऑर्गेनाइज दिस जॉब मेला. आई वॉज इंटरेक्टिंग विद सम ऑफ द गर्ल्स, दोज हु हैव कम फ्रॉम द जॉब, जो अभी वहाँ पे बैठ के अभी लाइन में हैं कुछ, ऑल्सो विद सम ऑफ द वंस हु हैव ऑलरेडी गॉट अपॉइंटमेंट लेटर्स. ऑलरेडी 21 गर्ल्स हैव ऑलरेडी गॉट अपॉइंटमेंट ऑन द स्टॉप लेटर ऑलरेडी, प्लस ऑल्सो विद सम ऑफ द गर्ल्स हु आर वर्किंग, who were actually recruited in a job mela earlier. For all of us, especially for women, the need for being financially independent, अपने पैरों पे खुद खड़ा होना, आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ये सिर्फ इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको शायद पैसे का रिक्वायरमेंट ना हो, आप ये बोलें कि घर में ना कोई काम करता है, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, या हमें फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की शायद ज़रूरत ना हो. बहुत सी ऐसी लड़कियां भी होंगी, बहुत सी हैं जिनको सपोर्ट करना भी होगा, बट अल्टीमेटली जो एम है वो ही नहीं है. ऑल्दो इट इज़ गुड If you are financially independent, अगर आप अपने पैरों पे खड़ी हैं, एकदम लाइफ बदल जाती है. मैं आपको अपने उस एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि एक बारी जब नौकरी मिली और एक बारी जब पहली तनख्वाह अपने हाथ में आई, तो उस दिन ऐसा लगा कि इतना फ्रीडम मिल गया कि आज के बाद हमें माँ बाप से पैसे नहीं मांगने, चाहे वो किसी चीज़ के लिए भी हो. और उसी तरह से हर महीने जब सैलरी आती है या अपना आप सैलरी है, तो हस्बैंड से नहीं मांगना पड़ता, पूछना नहीं पड़ता कि आज जाके सूट खरीद लें या ना खरीद लें, पैसा दे दो या ना दे दो, या कुछ घर का सामान खरीदने के लिए भी पैसा लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता. सो द काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस इट गिव्स यू, एक कॉन्फिडेंस, जो अभी मैं बात कर रही थी, यहाँ पे लड़कियाँ खड़ी हुई हैं जो TMI में काम कर रही हैं, इट चेंजेस यू. पहली बात तो यू मूव आउट ऑफ द हाउस, आप बाहर के माहौल में जाती हैं, आप एक किसी दफ्तर में काम करती हैं, आपको एक अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है, एक अलग चीज़ करने का मौका मिलता है, आपको और लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. और सबसे पहले बात तो वहीं से शुरू होती है कि आप वहाँ से ट्रैवल करके ऑफिस तक पहुँचेंगी. ये सारी चीज़ें स्पेशली लड़कियों के लिए हर स्टेप बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, अपने घर में रहते हैं, हम लोगों की लाइफ बहुत प्रोटेक्टिव होती है. और वो इसलिए भी होती है बिकॉज यू नो पेरेंट्स आर अफ्रेड, एवरीबडी, वी आर, लड़कियों को सब लोग बड़ा संभाल के अपने घर में रखते हैं. सो हम लोगों को अपना, जिसे कहते हैं ना कि यू योर विंग्स टू फ्लाई, और वो जो ग्रोथ है वो नहीं मिल पाती है जब तक आप घर से कदम बाहर ना लिखें, तब आप अपनी पर्सनैलिटी को सामने ला सकते हैं. दैट इज़ द टाइम वेन यू कैन शो वॉट योर वर्थ इज, दैट इज़ द टाइम वेन यू लर्न ऑल्सो. जब बाहर निकलेंगे, रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसको ओवरकम भी करेंगे, तो पर्सनालिटी आपकी डेवलप होगी. आपने कभी जो काम सोचा नहीं होगा वो आप करेंगे, वो करने से यू विल यू नो दैट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस इट विल गिव इट टू यू. सो
it's not only which is supporting your family, which is very essential in today's world. It is very essential that ek aadmi ki salary se ghar nahi chalta, or it improves the quality of life, improves your social status, it improves how, but more important is your personal growth, the way it improves you as a person. It helps you take decisions for yourself. Bahut hamare paas bharosa center mein aur yahan women police station mein hai, bahut sari ladkiyan, bahut sari mahilaen बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ हर रोज़ हमारे पास आती हैं. शादी के बाद प्रॉब्लम्स हैं, शादी से पहले भी प्रॉब्लम्स हैं. सो मैनी ऑफ देम कम टू अस. और कई बार बहुत लड़कियां सामने इसलिए भी नहीं आती क्योंकि अगर आपकी शादी हो गई है पर अगर आपके पास कोई और साधन नहीं है जीने का, तो ना आप पेरेंट्स पे वापस जाके बोझ बनना चाहते हैं और आप फिर उसी रिलेशनशिप में कंटिन्यू करते रहे डिस्पाइट वॉट एवर प्रॉब्लम्स. सो नंबर ऑफ टाइम्स द गर्ल्स हु कम टू अस डू नॉट दे लिव एग्री टू लिव इन एन अब्यूजिव रिलेशनशिप ओनली बिकॉज दे हैव नो अदर सोर्स, नो वेयर एल्स टू गो. तो हमारी लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस हम नहीं कर पाते हैं जब तक हम एक इंडिपेंडेंट हमारे पास ना हो हमारे पास. इट्स नॉट टू से दैट जॉब होना इसीलिए ज़रूरी है कि हमें कोई झंडा खड़ा करना है, हमें कोई फैमिली ब्रेक करना है. इट्स नॉट दैट. इट इज़ दैट यू आर मोर इन्फॉर्म्ड एंड यू आर एबल टू टेक डिसीजंस विच आर राइट फॉर यू एंड यू हैव अ केपेबिलिटी टू लिव योर लाइफ द वे यू वॉन्ट टू लिव. ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट इफ यू आर एम्पावर्ड योर नेक्स्ट जनरेशन विल ऑल्सो बी एम्पावर्ड. आप अगर खुद काम करती हैं, आपने अगर खुद दुनिया देखी है, तो आप अपने बच्चों को भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपका एक होराइजन, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो ब्रॉडन होती है, उससे आप अपने बच्चों की परवरिश भी बेटर कर सकती हैं और उनको भी ज़्यादा दुनिया में बेटर सिटीजन बना सकती हैं. सो ये जॉब मेला जो हम लोग कर रहे हैं, ये इसी उससे है कि आपको एक ईजियर तरीका, एक कंफर्टेबल वे में आप आके देख सकें. आज आप जब यहाँ आएंगे, आपने बहुतों को मिलेगा जॉब, कुछ लोगों को नहीं भी मिलेगा. तो एक तो ये बात मैं सबको बताने के लिए है कि हम लोग सबका जो भी आज आए हैं, उन सबका डाटाबेस जो हमारी रिक्रूटिंग एजेंसी है वो मेंटेन करती है. तो अगर किसी और कंपनी को आपका प्रोफाइल सूट करता है, सो दे विल get in touch with you. It's not that if you are not getting recruited today, you will not get recruited. We also have a company here, Apollo Pharmacy, jo agar aapke paas skills nahi hai, to then they impart skills to you, taki aap, you become employable. Also, when you come here, you can see that what type of jobs are available in the market, and therefore, what type of education or skills you need to develop. And almost every month city police kahin na kahin pe job mela karti hai and you are free to come and your database now when it will be with us will be going to different companies, so directly also they will be getting in touch with you. So I am extremely grateful and thankful to South Zone for organizing it for all of you. Aur aap sab se yahi guzarish hai ki jinko aaj nahi bhi milti hai naukri, Don't get disappointed. All these companies and many more will have your record. So please keep trying and definitely you will be able to get you do a job. And make sure that you are able to dream and also jo zindagi mein ek aim zarur bana ke rakhein aur us aim ki taraf work kariye. Ye dhyan rakhein ki auto se leke हवाई जहाज, और हवाई जहाज क्या, सिर्फ अंतरिक्ष में जो हमारे गए हैं उसमें भी विमेन साइंटिस्ट का बहुत रोल है. तो आज के ज़माने में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं, और आप लोग सब कर सकते हैं, सिर्फ उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.
साउथ जोन कैंपस में TMI और दूसरे कंपनी के साथ मिलकर एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन जॉब कनेक्ट मेला का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। हमारे DCP साउथ जोन अभी बताया कि लगभग 300 से 400 महिलाओं को, खवातीन को आज एम्प्लॉयमेंट मिलने का उम्मीद है, और हमारे तरफ से, सिटी पुलिस के तरफ से सभी कंपनियों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने अपने HR मैनेजर्स, रिक्रूटर्स को यहाँ भेजा। और आज जितने भी यहाँ 1000 से ज़्यादा यंग गर्ल्स आई हैं, सबको मैं ये वादा करता हूँ कि आप लोगों को जो ये इतना अच्छा मौका मिला है, इससे ज़रूर आप फ़ायदा उठाएंगे, और आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र है, जो लंबा सफ़र है, आज उसका एक बहुत मजबूत पहला कदम आप लोग लेंगे। हैदराबाद सिटी और तेलंगाना स्टेट हिंदुस्तान में विमेन के लिए सबसे सेफ जगह है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के मुताबिक, इंडिया पुलिस फाउंडेशन के डाटा के मुताबिक हैदराबाद में सबसे कम क्राइम है। और इसीलिए जब 2014 में नया स्टेट तेलंगाना बना, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब श्री के चंद्रशेखर राव साहब सबसे पहले विमेन सेफ्टी को प्रायोरिटी दिए, और वो शी टीम हो या भरोसा सेंटर हो, ये हिंदुस्तान में सबसे पहले हैदराबाद में शुरू हुआ। और इसके बाद दूसरे स्टेट, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस, दूसरे स्टेट के मिनिस्टर्स, दूसरे देश के मिनिस्टर्स, ये लोग भी आकर यहाँ के फैसिलिटीज़ को देखें। तो आज जो भी यहाँ लोग हाजिर हैं, सबको सिटी पुलिस के तरफ से आज मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और प्रेस और मीडिया के तरफ से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमारे शहर को, हमारे स्टेट को और देश को और बेहतर बनना है, तो हर फील्ड में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बेहद ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।